अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। आजादी के अमृत महोत्सव पर विकास खंड शंकरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत जूही में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किए गए अमृत सरोवर का लोकार्पण प्रयागराज सांसद द्वारा 21 मई 2023 को किया गया। मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर सौंदर्यकरण के लिए कार्य योजना कराकर ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी सौंपी गई। लोकार्पण से पूर्व सांसद ने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ रामविलास राय की उपस्थिति में सांसद ने फीता काट कर वह शिला पट का अनावरण करते हुए अमृत सरोवर को आम जनता के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनका संरक्षण भी करें। वहीं शंकरगढ़ प्रेम सिंह ग्राम पंचायत अनुपमा वैश्य मिश्रा सहित तमाम गणमान्य गण एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो भूतल जल है वो हमको बिल्कुल हमारे लिए शून्य हो जाए। तो भूतल जल को की लेवल को स्तर को बनाए रखने के लिए भी ये कार्यक्रम किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और पूरे देश में बड़ी सफलता से लागू हुआ। जैसा कि अभी प्रधान जी ने कहा है कि इसको पर्यटक बनाने के लिए, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बनेगा अगर हम देख लेंगे। पर्यटक स्थल तो देखिए अपने आप बनता है। जब जनता को लगता है कि ये जगह अच्छी है, रमणीक है, तो वहाँ लोग आने लगते हैं। जो बर्ड लवर्स हैं, जो बर्ड वॉचर्स हैं, जो पक्षियों में दिलचस्पी रखते हैं, वो अपने आप आएंगे। इसके प्रचार करने की आवश्यकता है। कहने से पर्यटक स्थल नहीं बनता। जैसा कि पठारी क्षेत्र होने की वजह से, पठारी क्षेत्र होने की वजह से पानी की कमियों से लोग यहाँ जूझ रहे हैं और शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र के लखनपुर गांव में पानी टंकी बनी हुई है, बने हुए 5 साल हो गया लेकिन आज तक वो चालू नहीं होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पहले काम होता था बहुत ही सब स्टैंडर्ड नीचे स्तर का होता था और उसमें टंकी बनाकर उसका कनेक्शन करा नहीं करा, प्रधान को सौंप के चल देते थे क्योंकि तब व्यवस्था ये थी कि हम टंकी तो बनाएंगे लेकिन चलाएगा उसको प्रधान। तो अब जब टंकी की ठीक से लाइन ही नहीं पड़ी तो दिक्कत हो जाती थी। तो अभी उसको दुरुस्त भी किया जाएगा और आपको मालूम है कि हर घर जल नल से जल की योजना बड़ी तीव्र गति से चल रही है। 33 लाख घरों को उत्तर प्रदेश के दिया जा चुका है। बुंदेलखंड सबसे पहले चिंतित हुआ है। अब इस चरण में प्रयागराज के 3-4 ब्लॉकों को लिया गया जिसमें शंकरगढ़ ब्लॉक भी है, कुरांव ब्लॉक भी है, कर्चना है, बीजा है। अब यहाँ पर इसका टेंडर हो चुका है और ये काम भी तेज़ी से होगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की योजनाएं हो सकता है थोड़ी धीमी गति हो जाए पर अंतर तो गति। वो जी अमृत सरोवर का जो आज उद्घाटन हुआ, सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए जूही गाँव में आपने देखा कि कितना सुंदर यहाँ पर तालाब है और करीब करीब 1.5 किलोमीटर का उसका रेडियस है और यहाँ का इसका विस्तार किया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। देखिए मुख्य लक्ष्य है जल संरक्षण और जल संरक्षण हमारे देश में इतने तालाब हैं, इतने कुएँ जो समय के साथ बर्बाद हो गए, उनको हम लोग फिर से, हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि जो अमृत महोत्सव वर्ष है इसमें हर जनपद में, हर इस ब्लॉक में एक एक हमारा ये सरोवर बन जाए। जनता की मांग है 75, परंतु हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करीब करीब 750 आप देखिए सरोवर 2 साल के अंदर तैयार किए हैं और ये बढ़ता ही चला जाएगा। हर नया पंचायत में 2 सरोवर बनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि भूतल तेजी से गिर रहा है और अगर हम पेरिनियल सोर्सेस को, यानी कि जो निरंतर चलने वाला जल है जैसे नदी का, अगर उस जी आपने एक नारीवादी से शंकरगढ़ वाली जो योजना थी नल कनेक्शन पाइपलाइन बिछ रही थी, अभी तक वो पूर्ण नहीं, उस पर क्या? हाँ हो गया, इस बार पूर्ण हो गई है जी। उन पर मैंने बड़ा बहुत ही घंटा था, बहुत मैं नाराज भी थी जल निगम के साथ। अब उनका कहना ये है कि उन्होंने टेस्ट ट्रायल शुरू कर दिया है और इसी महीने के अंदर वो उसका उद्घाटन करवाएंगे।